तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महिंद्रा जियो इलेक्ट्रिक। ऑफ कोर्स आप इसके पुराने ढांचे से वाकिफ होंगे, पर इस नए गाड़ी पे क्या क्या चीज़ बेहतर है फिलहाल मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सामने का जो रूपरेखा आप देख रहे होंगे, तो सामान्य तौर पे इलेक्ट्रिक की जैसे खुशनुमा टच था उसे बेहतर करके अब बगल पे जियो इलेक्ट्रिक ये दिखने मिल जाता है, जिसमें ये रंग थोड़ा व्यवस्थित रूप से अब ये दिखा देता है कि अब बेहतर पैमाने पे किसी भी हाल पे ये एक अच्छी इलेक्ट्रिक साबित हो रही है। अब क्यों इस ढांचे को इलेक्ट्रिक में जो तब्दील किए हैं और क्या आपके लिए बेहतर है कि नहीं, तो क्लेम तो 246 का है, पर अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो 160 के अराउंड वो निकाल के देगा, ये रियल लाइफ कंडीशन का बता रहे हैं। अदरवाइज ARI क्लेम के हिसाब से वो 246 इनके तरफ से इनपुट है। इसके अलावा कुछ जो अनोखी चीज़ जो अभी फ़िलहाल इसमें मिसिंग है, पर मैं वो बता देता हूँ कि इसमें एडास जैसे फीचर्स भी ऐड और डैश कैम, साथ ही साथ एक छोटा सा यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम होगा जो स्लीप मॉनिटरिंग कह सकते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा तो कभी भी यहाँ अगर ड्राइवर बैठता है तो उसे नींद वगैरह आती है तो वो स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम थोड़ा बहुत अब पकड़ के आपको एक प्रकार का इंडिकेशन देने लगता है। तो ये बेहतर चीज़ महिंद्रा कर रही है फिलहाल। वीरो पे बहुत ही बेहतर निर्णय इन्होंने लिया था और अभी भी कर रहे हैं। और लमसम पैमाने पे गाड़ी सामान्य अंदर से जैसे ठीक ठाक दिखती है वैसा है, और वहीं पर यहाँ पर देख रहे होंगे तो ड्राइव ट्रेन, पावर इको और सामान्य रूप से व्यवस्थित। बैठने के लिए भी अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा सा कड़ा सीट है, पर ठीक ठाक आपके लिए ये इस्तेमाल होगा। अंदर यहाँ पर ब्लू आउटर कवर और अंदर खोलने के लिए जो व्यवस्था है ये ब्लैक में दी हुई है। तो सामान्य तौर पे ऐसा सिंपल है, पर दो चार चीज़ जो इन्होंने जोड़ा है वो मुझे लगा कि जैसे एडास जैसे एक फ़ीचर यहाँ पर सामने व्यवस्थित रूप से, प्लस स्लीप मॉनिटरिंग देना और डैश कैम की भी व्यवस्था। डैश कैम क्यों ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि पीछे जैसे आप देख रहे होंगे ना तो ये बहुत ही जैगेंटिक सेक्शन रहता है, तो दिखने की दिक्कतें होती हैं, तो उस चीज़ को भी ध्यान रख के अब इन्होंने वो स्थिर रूप से ये चीज़ कर दिया। इसके अलावा जैसे छोटी मोटी चीज़ें बताऊं तो 3 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगा, और 3 घंटे में फुल चार्ज होने के बाद सफिशेंट जितना किलोमीटर बता रहा हूँ, दो वेरियंट के हिसाब से ARI क्लेम को ना जोड़ते एकदम सच्चाई वाला क्लेम जो कंपनी के द्वारा ही टेस्टिंग के द्वारा ये परफॉर्म किया गया उसको जोड़ते हैं, तो 160 इस टॉप मॉडल पे मिल जाएगा, और इसका नीचे वेरिएंट लेते हैं तो वो लगभग 140 से 45 के बीच में मिल जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कौन सा टायर वगैरह सब दिया है, जैसे C8 के टायर्स में क्या सेक्शन है, क्या ग्रिपिंग है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल बताऊँगा।